हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा ये लहंगा जो मैंने 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। फुल डिटेल में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिलेगी। और इसके साथ हमने बनाया है बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज जिसका जो फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगी। जब मैं ब्लाउज का ये वीडियो अपलोड कर दूंगी ना, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड दोनों जगह मिल जाएगी। वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और आज चलिए, इसकी जो ये लहंगा है ना, सेमी सर्कल हमने यहाँ पे अम्ब्रेला पैटर्न में से बनाया है, उसकी ट्यूटोरियल देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये हमारी बेबी की जो मेजरमेंट है ना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, साथ ही आपको फैब्रिक डिटेल भी दे देती हूँ। यहाँ पे 1/2 मीटर मैंने लिया है, ये ब्रोकेड में फैब्रिक है जो हम बेबी का ब्लाउज में यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ आपको 1 मीटर लगभग लगेगा लहंगे के लिए फैब्रिक। तो यहाँ पे मैंने चंदेरी में यूज़ किया है, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है। और साथ ही अस्तर भी मैंने उतना ही लिया हुआ है, 1 मीटर मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है जो हम लहंगे में यूज़ करने वाले हैं, और साथ ही ये सैंतून जो हम ब्लाउज में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं गोटा पट्टी यूज़ करने वाली हूँ लहंगे में। तो यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है ना, अस्तर जो हम क्रेप यूज़ करने वाले हैं लहंगे में, उसमें हमें क्या करना है, मेज़रमेंट ले लेना है। तो हमारी जो लहंगे की लेंथ है वो 16 इंच होने वाली है और वेस्ट हमें रखना है 5 इंच। कैसे रखना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जितना होगा ना, मीन्स 20 इंचेस लगभग आ रहा है, तो हमें फैब्रिक में से 20 इंचेस मेज़रमेंट में ले लेना है और इसे 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। बिछा लेने के बाद ना, ये 2 फोल्ड में है, अभी वहीं पे हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके बाद ना इसकी कटिंग कर लेंगे हम। क्योंकि यहाँ पे हम सेमी सर्कल स्कर्ट कट करने वाले हैं, तो वेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना हमारा वेस्ट है ना, उसे आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे है 18 इंचेस, उसे 4 से डिवाइड करूँगी ना तो आएगा 4.5 इंच, और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमें यहाँ वेस्ट के लिए 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग ले लेनी होगी, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। यहाँ पे अस्तर है क्योंकि इसमें हम 2 इंच लेस करके लेंगे, तो यहाँ मैं 14 इंचेस ले रही हूँ इस तरह से मेजरमेंट। तो पूरे में हमें इस तरह से इसे बैठाते हुए 14 इंचेस पे मार्क करते हुए जाना है। तो चलिए, मार्किंग हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और सेम ऐसे ही हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करेंगे, बस हमें उसकी लेंथ 2 इंच ज़्यादा रखनी है, 16 इंचेस की उसकी लेंथ रखनी है। ये देखिए, हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है, 2 इंच इसकी लेंथ हमने ज़्यादा रखी है, ठीक है। और आप सोचोगे कि हमें ऊपर बेल्ट भी लगाना होगा, तो हमारा बेल्ट बिल्कुल 1 इंच रहेगा और हमारा सिलाई में ये फैब्रिक ऊपर वेस्ट पे और नीचे की ओर फोल्ड होगा इस तरह से, इसलिए हमारा ये 16 इंच एग्जैक्ट बन के रेडी होगा। तो हमें मेन फैब्रिक को ना पहले इस तरह से नीचे की साइड को इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। अगर आप गोटा पट्टी यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप पिको भी कर सकते हो। तो इस तरह से ना मैंने नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अब हमने जो गोटा पट्टी मैंने आपको दिखाया था ना, वो गोटा पट्टी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसे लगाने के लिए हमें यहाँ पे, ये देखिए, पहले सबसे नीचे की साइड पे जो हमने फोल्ड करके सिलाई किया ना, वहीं पे इसे बैठाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट लेयर गोटा पट्टी का लगा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट लेयर गोटा पट्टी का लग चुका है। अब यहीं पे हम एक पैर का मार्जिन देते हुए हमारा सेकेंड लेयर लगाना है गोटा पट्टी का। आप चाहे तो 1-2 लेयर और लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 ही लेयर लगा रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा गोटा पट्टी अच्छे से लग चुका है और एक्स्ट्रा जो धागा निकला हुआ है वो मैं कट कर ले रही हूँ। अभी हमें क्या करना है, अपने अस्तर को लेना है और हमारा जो मेन फैब्रिक है ना, उसे उल्टे साइड पे पलट लीजिएगा और यहाँ पे इसके वेस्ट के साथ हमारा अस्तर का वेस्ट को मिलाना है और सिलाई कर लेना है।
तो वेस्ट की सिलाई हो चुकी है, अभी हम इसे पलट लेंगे, मीन्स उल्टे साइड पे हमें इसे पलटना है इस तरह से। और अस्तर और मेन फैब्रिक को ना इस तरह जो साइड खुली हुई है ना उसे मिला करके इस तरह से पठाना है। ऊपर आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख लीजिएगा और इसके बाद हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। अस्तर मेन फैब्रिक को मिलाते हुए लगभग 1 से 1.5 इंच तक आप नीचे की ओर आइए, उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक आप साइड कर लीजिएगा और सिर्फ अस्तर पे सिलाई कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सिलने से आपका अस्तर अलग सिलेगा और मेन फैब्रिक अलग सिलाई होगा। अब हमने जहाँ से मेन फैब्रिक की सिलाई छोड़ी थी ना वहीं से इसे बैठाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने साइड की सिलाई दे दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर का जो हमने मार्जिन ये छोड़ा था ना, इस मार्जिन को हमें अंदर की साइड में फोल्ड करके सिलाई कर लेनी होगी इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है, ये देखिए। अभी हमें क्या करना है, अस्तर पे ना मैं यहाँ पे पीको कर रही हूँ, आप फोल्ड करके भी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पीको वाला फुट लगा लिया है और सिलाई को पीको पे कर लिया है जिगजैग पैटर्न में, और इसके बाद हम इस पर पीको कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अस्तर पे पीको कर लिया है। अब हमारा लहंगा को सीधे साइड पे हम पलट लेते हैं। अब हमें इसमें सिर्फ बेल्ट लगाना बाकी रह गया है, ठीक है। तो बेल्ट लगाने के लिए ना हमारा जो वेस्ट है उससे हमें लगभग 2 से 2.5 इंच हमारा बेल्ट को ज़्यादा कट करना है। लेंथ वाइज मैंने इसे 3 इंच अभी रखा है। एक साइड से हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना है। 1/2 इंच अंदर फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए दूसरे साइड पर और इस तरह से सिलाई कर लीजिए, ये देखिए। अब हमें उल्टे साइड से हमें अपने बेल्ट को लगाना है। तो साइड पे हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके पहले हमें उल्टे साइड से इसे बैठाना है और इस तरह से हमें इस पर सिलाई करते हुए जाना है। तो एंड में भी हमें इसे फोल्ड करना है फैब्रिक को और सिल लेना है, ठीक है। अब इसे हमें सीधे साइड पे पलटना है और ऊपर की साइड तो हमने पहले से ही फोल्ड करके सिल लिया था। अब इसे सिर्फ हमें सिलाई पे बैठाना है इस तरह से और सिलाई करते हुए जाना है। जो लाइनिंग हमने पहले, मतलब जो हमारा अंदर से सिलाई हुआ था ना, वो सिलाई ऊपर की और दिख रहा होगा, उसी सिलाई पे इसे बैठाते हुए सिलिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अंदर के अस्तर भी इसमें सिल सकता है, तो ध्यान देते हुए अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट लगा लिया है और यहाँ पे ना गोटा पट्टी की एक लेयर में जो सिलाई हमने किया था ना उसके ऊपर लगा करके सिलाई कर रही हूँ ताकि इसका जो लुक है वो और भी प्यारा लगे। तो इस तरह से मैंने वेस्ट पे भी इसका गोटा पट्टी लगा लिया है। सो इस तरह से हमारा जो लहंगा है वो बन के रेडी हो गया है। वेस्ट पे हमने डोरी लगा लिया है और लटकन लगा लिया है, और इसकी ब्लाउज की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।